सब बच्चे देखिए जरा ध्यान से और इसका स्टेटमेंट लिखिए बेटे। दूसरी बात ये इन्हीं क्वेश्चंस को लैंग्वेज को चेंज करके देता है, तो प्लीज स्टेटमेंट भी लिख लिया कीजिए। आपकी आरडी शर्मा वगैरह में वहां स्टेटमेंट दूसरा मिल जाएगा। मैंने आपसे क्या कह रहा हूं, शो दैट इन ए ट्रेपेजियम डायगनल डिवाइड्स प्रोपोर्शनली, ये आपसे कह सकते। शो दैट इन ए ट्रेपेजियम डायगनल डिवाइड्स प्रोपोर्शनली। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, अब आप ढूंढते रहोगे सर ये तो पूरा सिमिलर ट्राइंगल में हमने पढ़ाई है, बट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ट्रेपेजियम इन ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, प्रूव दैट ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी, ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको लैंग्वेज चेंज कर दे बेटे तो डिस्टर्ब नहीं होना है, हर वर्ड का मायने निकालना है कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि स्टेटमेंट जैसे अभी आपसे चेंज कर दे इन ए क्वाड्रिलेटरल इफ डायगनल्स डिवाइड्स proportionally, show that it is a trapezium. थोड़ी सी लाइट कम करना, नहीं भाई जरा एक बार एक दो लाइट कम करना। आपसे कह रहा है इन ए क्वाड्रिलेटर इफ डायगनल डिवाइड्स प्रोपोर्शनली शो दैट इट इज ए ट्रेपेजियम। कुछ विजिबिलिटी क्लियर हुई? तो ये हमारे पास हो सकता है। अब एक और हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। आपसे क्या कह रहा है, इन ए ट्रेपेजियम ए लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स। लिखते रहिएगा प्लीज ये स्टेटमेंट एक्स्ट्रा करके, इंपॉर्टेंट करके, या क्वेश्चन नंबर 9 पे और करके। तो जहां पे भी आप नोट्स बनाते हैं अपने तो वहां पे लिख लीजिएगा। आपसे कह रहा है इन्हें ट्रेपेजियम ए लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड डिवाइड्स नॉन पैरेलल साइड्स प्रोपोर्शनली या इन द सेम रेशियो। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, इन ए ट्रेपेजियम ए लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स डिवाइड नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो। क्या मतलब है वो देखो, और एग्जांपल 3 क्या कह रहा है वो देखो। एग्जांपल 3 ये है आपके पास, ये हमारा ट्रेपेजियम है, एग्जाम्पल 2 नॉट 3। ये हमारे पास ट्रेपेजियम है ए बी सी डी, इट इज गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, गिवन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो अब हमारे पास क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया और यहाँ दो साइड पैरेलल हो गई। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, जो मैंने लैंग्वेज बताई है, ए लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स। अब हम एक और लाइन ले लें जो पैरेलल साइड्स के पैरेलल है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये हमारे पास है ई और ये हमारे पास है एफ और ये आपने लाइन ड्रॉ करी है और ये ई एफ जो है किसी एक की पैरेलल देगा, दोनों को तो करेगा नहीं, वो तो प्रॉपर्टी से हो जाती है। तो ए बी के पैरेलल दिया हुआ, इन क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी,
अब प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगी, अगर EF AB के पैरेलल था, ऑब्वियस सी बात है EF CD के पैरेलल भी हो जाएगा बाय प्रॉपर्टी। ए लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स पैरेलल टू ईच अदर, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होता है, नाइन्थ में आपने पढ़ा। तो हमने क्या कहा था, इन ट्रेपेजियम ए लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड्स डिवाइड्स नॉन पैरेलल साइड्स। तो इस ट्रेपेजियम में नॉन पैरेलल साइड्स ये हैं AD और नॉन पैरेलल साइड ये है BC, इनका रेशियो सेम होगा, मतलब AE अपॉन ED एंड BF अपॉन FC, सिंपल इतना सा दिया हुआ। तो प्रूफ करना है दिस पैरेलल लाइन डिवाइड्स नॉन पैरेलल साइड्स इन द सेम रेशियो AE, बहुत सिंपल है, अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC, ये आपको प्रूफ करना है। सर एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जी, ठीक है सर। अब सब बच्चे प्लीज ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमें प्रूव करना है। हम पढ़ रहे हैं बीपीटी या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी पढ़े या कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़े तो उसमें ट्रायंगल यूज होगा और यहाँ आपको कहीं ट्रायंगल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब मुझे ट्रायंगल बनाना है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ट्रायंगल बनाना है तो आसान क्या होता है कि हम डायगनल ड्रॉ कर दें, आइदर आप बीडी ज्वाइन कर दो या फिर आप एसी ज्वाइन कर दो, चॉइस आपकी है, एडी ज्वाइन करो बीडी ज्वाइन करो या एसी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपने किसको ज्वाइन किया। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एसी को ज्वाइन कर देता हूं। अगर मैं एसी को ज्वाइन कर रहा हूं तो एसी इंटरसेक्ट करेगा ईएफ पे, ओ पे। तो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया ज्वाइन एसी इंटरसेक्ट EF एट O। अब आप बच्चे बहुत आसानी के साथ क्या करिए, एक ट्राइंगल अपर ले लीजिए और एक ट्राइंगल लोअर ले लीजिए, ठीक है सर। अपर ट्राइंगल में अगर हम लेंगे तो ये वाली साइड आएगी, प्लीज ध्यान से देख लो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आपके पास AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन OC, और अगर आप नीचे लेंगे ये हमारे पास है, अगर आप नीचे वाले ट्रायंगल में लेंगे तो ये रेशियो, ये लाइन इसके पैरेलल रेशियो सेम, तो AO अपॉन OC इज इक्वल्स टू जो भी आप ले BF अपॉन FC। अब क्योंकि ये ब्लू वाली लाइन दोनों में कॉमन है तो ये रेशियो इक्वल आ जाएंगे। सब बच्चों को समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। जो AC है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वाला पार्ट हटा देंगे तो इसका रेशियो इसके इक्वल हो जाएगा वन बाई वन। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, EF इज पैरेलल टू AB, तो आप इसको इसके पैरेलल लिख सकते हो या इसको इसके, उसमें लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास वन बाय वन, हम यहाँ पहले चलो ऊपर वाला ही कर लेते हैं, उससे कहानी खत्म हो जाएगी। EO इज पैरेलल टू, चलिए प्रूफ, EF parallel to AB and AB parallel to CD, so EF parallel to CD, तो हमारा EF CD के parallel हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं, so EO parallel to CD, इतना। अगर EO parallel to CD है तो in triangle ADC रेशियो सेम, AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू AO अपॉन CO बाय BBD। तो इसको तो इसके पैरेलल करना पड़ा, ये तो ऑटोमेटिकली है। इन ट्राइंगल ABC OF पैरेलल टू AB बिकॉज EF पैरेलल टू AB, OF is the part of EF. If EF is parallel to AB, then part of it is also parallel to this. So, अगर OF parallel to AB है, तो ratio same. So, AO upon CO is equals to BF upon FC by BPT. Equation 2. But जैसे मैंने आपसे कहा था, diagonal मेरा common है. Diagonal क्या है? AO upon CO. फ्रॉम वन एंड टू आप कह सकते हो AE अपॉन ED
is equals to BF upon FC. BF upon FC. बताइए सब बच्चे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया क्या? Yes sir. सब बच्चे प्लीज, जो बच्चे खामोश हैं, जिन्हें मुश्किल लग रहा है ज्योमेट्री, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, किसी भी एक भी बच्चे ने अगर पढ़ना शुरू किया है तो उम्मीद है इंशाल्लाह ज्योमेट्री समझ में आ रहा होगा. Yes sir, आ रहा है सर, आ रहा है. मुश्किल होगा तो अब बताओ ये चीज समझ में आई? Yes sir. Yes sir. म्यूट करो अपने आप को और नोट करो जरा, स्क्रीन शेयर होती है.